वेलकम है आपका बिना कोमल चैनल के ब्लॉग्स पे। तो देखिए दोस्तों, हमारा घर पूरा खाली पड़ा हुआ है। सिस्टर लोग आई थी, चली गई, उनके बच्चे भी थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही मतलब क्या बताऊं, बहुत खुशी हो रही थी आने से उनके, बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ, इतना मेहनत हम लोगों ने किया, हम और हमारी वाइफ ने किया, सबसे ज्यादा तो हमारी वाइफ ने किया, इतना मेहनत किया उनके खातिरदारी के लिए कि थोड़ा सा वो बीमार भी पड़ गई बेचारी। रात में जुकाम उकाम हो गया था, फिर मैंने थोड़ा सा दवा ववा दिया, बहुत मेहनत किया उन्होंने, हमसे ज़्यादा हमारी वाइफ ने मेहनत किया। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी नंद के लिए इतना सारा किया। तो देखिए अभी तो घर खाली सा पड़ा है और मैडम हमारी अब पता नहीं क्या ब्लॉग बना रही हैं रेसिपी का। मैं आपको अब बिहाइंड सीन दिखाता हूँ चल के, बड़ा अच्छा लगेगा। देख आप लोग भी देखिए कैसे वीडियो बनाते हैं हम लोग, कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और टाइम भी लगता है बहुत वीडियो बनाने में। तो देखिए हम किचन में आ गए हैं और इधर रिंग लाइट सेट कर लिया इन्होंने और इधर अपना देखो इधर गैस पे रख दिया है। आप लोग दोस्तों बता दूं, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, देख रहे हैं गैस पे मेहनत बहुत लगता है दोस्तों, बट आप उस तरीके का प्यार नहीं देते हो। कोई नहीं, टाइम देंगे क्या बताएं बेबी, ना थोड़ा टाइम लगता है शिखर पे चढ़ने पे, तो भी हम लोग तो शुरुआत है फिर बहुत अच्छा है। कल हमारे बेबी ने बहुत मेहनत किया था, बहुत थक गए थी, तो आज उनका तबीयत भी खराब हो गया था। नहीं, तबीयत काम से नहीं हुआ था, तबीयत ना ठंडा पानी से कपड़े कुछ ज्यादा धो लिए। हाँ, दूसरे दिन का थोड़ा तबीयत भी डाउन हो गया था। और देखिए कितना रिस्की से वीडियो बना रही है, अगर फोन गिरा तो तेल में फ्राई हो जाएगा सीधे। नहीं, बहुत रिस्क भी रहता है और बहुत मेहनत भी लगता है दोस्तों, तो मेहनत हम करते रहेंगे, फल देना आपका काम है। तो पता नहीं क्या बना रही दोस्तों, अभी जब बन जाएगा तो आपको बता देंगे, बता भी देंगे। और इनका हाँ, इनका इनके चैनल पे बी एंड के ब्लॉग्स है, उस पर ये रेसिपी आएगी, आप लोग देखना, क्योंकि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में अच्छे अच्छे नाश्ते मिलने को। और इधर आप दिखा दीजिए, इधर ये आप लोग देख सकते हैं, इसका वायर जो है ये बाहर से रूम से आया है, ये इसका वायर रूम से गया है, इधर इधर किचन में आया है, किचन में क्योंकि कनेक्शन नहीं है कहीं पे, इसीलिए मैंने बाहर लगा दिया है। तो अभी हमारा घर बहुत सुना सुना सा लग रहा है, कल लोग थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, कब टाइम बीत गया, कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। आप लोगों ने देखा ही था वीडियो में, और क्या बताएं, अब मुझे भूख भी लग रहा है, मैडम बना रही हैं। अब मैं पता है अगर नहीं रेसिपी डालना होता ना तो फटाक से बना देते, अब क्या होता है रेसिपी बनाना है उनको तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप दिखा रही है, हाँ तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखो इधर मिक्सर में बैठ गए पीसने के लिए। बहुत मेहनत है यार वीडियो बनाने में, इसीलिए पता है मैं कभी कोई वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि टाइम पर जैसे नहीं होता, नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने अपना वीडियो पोस्ट करने हमको आप लोग को बिहाइंड द सीन दिखा देते हैं कितना अच्छा लगेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज इन्होंने कुछ नया कर रही हैं, मैं आपको कुछ नया दिखा रहा हूँ बिहाइंड द सीन कैसे वीडियो बनाती हैं ये। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, जो लोग नए लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरूर सब्सक्राइब करें, भूल जाता हूँ पता है, अभी हम लोग नए नए ना बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, कोई बात नहीं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, आप लोग से मिलते हैं कुछ देर में हम। हाँ यार, इतना सारा बर्तन निकल गया है क्या, बाप रे, इतना सारा बर्तन दोस्तों निकल गया, सर मैडम जी धो भी रही हैं। नहीं वो क्या है ना, चूहा भी चढ़ जाता है ना, तो वो भी बर्तन हम धो देते हैं। अच्छा यार, चूहा लगता है, देखो चूहा वहाँ से आता है साला, अंदर रुक जाता है, तो ये बन गया क्या यार, बड़ा टेस्टी लग रहा है यार, कसम से खा लो, इसके साथ पूड़ी बना दो, आज वही पूड़ी उड़ी खाएंगे यार, पूड़ी हाँ पूड़ी बना दो इसके साथ आज। देखो दोस्तों बन गया है, इसकी रेसिपी इनके ब्लॉग में आएगी। इतना सारा बर्तन ठंड में धोना आम बात नहीं है यार, और पानी तो इतना पानी बहुत ठंडा है, दिल्ली में ठंड बहुत पड़ रहा है और मैडम अपने काम में लगी हुई हैं। ऐसा लगता है ना जैसे बर्फ, हाँ बहुत सही, पानी इतना ठंडा जैसे बर्फ निकल रहा है, मैं भी हाथ धो के आया हूँ, बहुत ठंडा लग रहा था, इतना सारा इसे लग रहा है, हम लोग 8-10 लोग रहते हैं, इतना बर्तन निकला हुआ है, इतने तो 8-10 लोग में नहीं निकलता होगा, वही तो, एक कढ़ाई एक कढ़ाई उधर एक कढ़ाई उधर, अंदर भी एक दो पड़ा हुआ है, अभी कढ़ाई अभी घुघरी बना के निकाला है, उसको धो के रख दिए ना। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ यार। दोस्तों मेरी एक और आदत अच्छी है, मैं इनके हर काम में ना हाथ बटाता हूँ, देखो पूरी मैंने छाना है ये,
कितने फूले फूले पूड़ी है। एक छान के दिखा दो लोगों को, तो फूले यार छान के दिखा देंगे। क्या कितना अच्छा पूड़ी छानते हो, एक नंबर पूड़ी छानते। अरे देखो वरना वो नहीं फूलेगा। अरे हम देख रहे जी, आपको दिखा दे कैसे फूलते है पूड़ी हमारा। उस पे तेल डालो थोड़ा सा, देखो बेइज्जती करा दी है। नहीं बेइज्जती कैसे करा देंगे यार, देखो पूरा फूला, पूरा फूला भी दिखाते है ना। तेल डालोगे तभी फूलेगा, तेल कम पड़ जाता है ना। तेल मैंने कम डाला है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ज्यादा बनाना है नहीं, हम बस दो ही हैं, इसलिए तेल फूला पूरी मैं बेइज्जती अपनी वही नहीं दे सकता, होने नहीं दूंगा। और क्या, ये देखो निक्के घर में उम्र भर रानी बन के रहूंगी मैं। ये है रानी बनना, और क्या खाना बना रही तो रानी होता है। देखो मैंने एक नहीं दो दो बहुत सारी पूड़ियां निकाल दी मैंने, आज बहुत दिन बाद पूड़ी खाने मन कर रहा था यार। कभी कभी दोस्तों बहुत मन करता है, ठंडी में तो और भी मन करता है कि क्या मिल जाए अच्छा अच्छा खाने। उनके घर में उम्र भर रानी बन के रहूंगी मैं। अब छान के फिर यार मिलते हैं हम लोग से। ठीक, द नेक्स्ट डे।